अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो सिंध पुलिस कराची रेंज 480 के रिटर्न टेस्ट के हवाले से है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज रिटर्न टेस्ट था कराची के कैंडिडेट का, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो मैंने कहा आप कैंडिडेट तक मैं शेयर करूं, क्योंकि कल भी काफ़ी कैंडिडेट का रिटर्न टेस्ट है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आज किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान लार्जेस्ट म्यूज़ियम इज़, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम कौन सा है? इसके ऑप्शन थे दोस्तों लाहौर, टैक्सिला या पिशावर। तो दोस्तों पाकिस्तान का सबसे बड़ा म्यूज़ियम लाहौर म्यूज़ियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ही इज़ प्राउड डैश हिज रिचनेस। इसके ऑप्शन है दोस्तों ऑन, ऑफ या ओवर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ही इज़ प्राउड ऑफ हिज रिचनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वर्ड उर्दू मीनिंग, यानी उर्दू के मायने बताने हैं। ये दोस्तों उर्दू में भी सवाल आ सकता है और आया था, क्योंकि जनरल नॉलेज के अंदर दोस्तों इंग्लिश में भी लिखा होता है। आपको पता होगा वो कैंडिडेट जिन्होंने इससे पहले रिटर्न टेस्ट दिया है, 22 से 23 सवाल जो कि जनरल नॉलेज के होते हैं वो इंग्लिश में भी लिखा होता है, साथ में उसकी ट्रांसलेशन भी क्वेश्चन बुक के अंदर होती है। तो दोस्तों हमें इसमें उर्दू मीनिंग बताना है आर्म, आर्मी या नेवी। तो दोस्तों वर्ड उर्दू के मायने हैं आर्मी और उर्दू में हम इसे लश्कर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान, दोस्तों ये बहुत आसान है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान के कौमी शायर कौन हैं और वो अल्लामा इकबाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश द मैरिज। इसके ऑप्शन थे दोस्तों ऑफ, फोर या ऑन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन फॉर द मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हु गेव द नेम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का नाम किसने दिया, किसने तजवीज़ किया। इसके ऑप्शन है दोस्तों अल्लामा इकबाल, चौधरी रहमत अली या कायदे आज़म। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़, यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसके ऑप्शन है दोस्तों चोलिस्तान, थल या थर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा थर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। शी केयर्स डैश द एनवायरनमेंट। इसके ऑप्शन है दोस्तों अबाउट, ऑफ या इन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा शी केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम। इसके ऑप्शन है दोस्तों ऑफ, ऑन या ओवर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन विच सेक्टर द लार्जेस्ट लेबर फोर्स इज अटैच इन पाकिस्तान, यानी वो कौन सा दोस्तों सेक्टर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लेबर जो है वो काम करते हैं। इसके ऑप्शन है दोस्तों डिफेंस, ट्रेड या एग्रीकल्चर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ग्रीन पेपर इज वेरी रिच डैश विटामिन सी। इसके ऑप्शन है दोस्तों अबाउट, इन या ऑफ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ग्रीन पेपर इज वेरी रिच इन विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ही वॉज एम्बेरिस्ड बिकॉज एवरी वन वॉज लाफिंग डैश हिम। इसके ऑप्शन है दोस्तों इन, एट या अबाउट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ही वॉज एम्बेरिस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? इसके ऑप्शन है दोस्तों चौधरी रहमत अली, हफीज़ जालंधरी या अल्लामा इकबाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है हफीज़ जालंधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प। इसके ऑप्शन है दोस्तों इन, ऑफ या अबाउट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट एस्ट्रोला बोलते हैं। दोस्तों आज के क्वेश्चन के अंदर एस्ट्रोला का ऑप्शन था ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनोड़ा जो है वही है एस्ट्रोला का ऑप्शन। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि एस्ट्रोला है, लेकिन उसका ऑप्शन था ही नहीं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ मैथ के सवाल भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन था 41 डिवाइड बाय 2। दोस्तों सर आप रेफर भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, जब हम 41 लिखेंगे दोस्तों तो हमने जब उससे 2 से डिवाइड करना है तो हम जो है वो 220 या 40 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद 1 रह जाएगा। 1 के बाद हम जब पॉइंट देंगे ऊपर दोस्तों तो 1 को 0 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10। उसके बाद हम 2 5 10 करेंगे तो ये 20.5 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 1। तो दोस्तों हम सबसे पहले 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46 बन जाएगा। फिर हम 46 में 3 ऐड करेंगे तो ये 49 बन जाएगा। उसके बाद 49 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये 48 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं 2118 को हमने करना है 2 से डिवाइड। आप देख सकते हैं आप पहले बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद हम 2 10s 20 करेंगे दोस्तों तो नीचे 118 बच जाएगा। उसके बाद हम 2 5s 10 करेंगे तो आप देख सकते हैं 18 बचा। हम फिर 2 9s 18 करेंगे तो ये 1059 बन जाएगा दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 3 - 2 / 1। मैंने आपको पहले भी बताया था मल्टीप्लाई और डिवाइड सबसे पहले करना है, तो हम 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम 2 और 3 को सबसे पहले प्लस कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा। उसके अंदर जब हम 2 को माइनस करेंगे तो ये 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 84 को मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद उसमें से माइनस 5 करने हैं। हम जब दोस्तों 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 504 आंसर आएगा। अब 504 में से हमें 5 माइनस करने हैं तो ये 499 आ जाएगा दोस्तों। ये एक सिंधी का सवाल था, उर्दू जे एक लफ्ज़ जे सिंधी मा मायने छा थींदी, यानी दोस्तों उर्दू का जो हम एक कहते हैं उसे सिंधी में क्या कहा जाएगा, बा टे या हिक। तो दोस्तों उर्दू के एक को सिंधी में हिक कहा जाता है दोस्तों। मेरे पास अभी तक यही क्वेश्चन आए थे तो मैंने आपको ये सॉल्व करके दे दिए। आज आपको पता है 3 शिफ्टें हैं, जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आप तक जल्द अज जल्द जो है वो वीडियो बना के शेयर करूँगा, ताकि वो कैंडिडेट जिनका कल रिटर्न टेस्ट है उनको ये आइडिया भी हो सके कि किस तरह का रिटर्न टेस्ट आ रहा है, और वो एक नज़र इसको देख भी लें। दोस्तों आप में से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मेरी तरफ से वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।